तहसील परिसर में कर्मचारी को लेट लतीफी का खामियाजा भुगत रहे लोग। तहसील परिसर में कार्य के लिए आने वाले लोगों को इन दिनों यहां तैनात कर्मचारियों के लेट लतीफी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि कुछ दिन पहले एडीसी की ओर से तहसील में औचक निरीक्षण किया गया था और कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी में आने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन कर्मचारी उच्चाधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। सोमवार को तहसील में जमाबंदी निकलवाने के लिए आए लोगों ने बताया कि तहसील में कर्मचारियों का बुरा हाल है। कर्मचारियों के ड्यूटी पर पहुंचने का समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन कहीं आधा तो कहीं 1 घंटा लेट ड्यूटी पर आते हैं। कर्मचारियों की खाली पड़ी कुर्सियों पर पंखे जरूर चलते रहते हैं। सबसे अधिक परेशानी तहसील में कार्य के लिए आने वाले बुजुर्गों को भुगतनी पड़ रही है। वहीं इस बारे जब एसडीएम रादौर दिलबाग सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एडीसी की ओर से भी तहसील का निरीक्षण कर कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी आने व जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अगर अब भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं तो उनकी ओर से तहसील का औचक निरीक्षण कर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। तूड़ी बेचने पर धारा 144 लगाकर सरकार ने किया किसान विरोधी होने का प्रमाण। भाकियू नेता भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक सोमवार को गांव कांजनू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष व कार्यकारी जिला अध्यक्ष संदीप संखेड़ा ने की। इस अवसर पर संदीप संखेड़ा ने कहा कि जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर अस्वस्थ होने के कारण 2 महीने के लिए छुट्टी पर है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार पशु चारा तूड़ी बाहर बेचने पर धारा 144 लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नियत और नीति दोनों में खोट है। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री सहित पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में रोजाना बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही बिजली की सप्लाई में सुधार तथा ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए गए तो एससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बंद मकान से हजारों रुपये की नकदी व गहने चोरी। छोटाबांस में अज्ञात लोग बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर हजारों रुपये की नकदी व सोने के गहने चुरा ले गए। पुलिस ने प्रभावित की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। गुलाब सिंह निवासी छोटाबांस ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 अप्रैल को वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने गया हुआ था। उस समय घर पर कोई नहीं था। रात को जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए थे और अलमारी के अंदर रखे 30,000 रुपये नकद, सोने की अंगूठी, पत्नी के कानों के झुमके व कुछ चांदी का सामान गायब था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।